आज फिल्मों की भीड़ में यह तय कर पाना मुश्किल है कि हम किस फिल्म को देखें और किस फिल्म को छोड़ें। भागम भाग भरी जिंदगी में लोगों के पास अब बहुत कम समय ही बचा हुआ है। उतने में भी आज मनोरंजन के लिए इतने साधन हो चुके हैं कि लोगों का तय कर पाना मुश्किल होता है कि वह किस फिल्म को देखें और किसे नहीं। थिएटर, उसके बाद टीवी और अब हाथ में मोबाइल फोन फिल्मों के माध्यम बन चुके हैं। हालांकि थिएटर में बड़े पर्दे का अपना ही अलग मजा है, पर उसके बावजूद हाथ में मोबाइल फोन और उसमें ओटीटी चैनल पर कंटेंट भी इतने सारे हैं कि सभी को थिएटर में जाकर देखना मुश्किल हो जाता है। वहीं गिने चुने थिएटर में अब कुछ बड़ी फिल्में ही लग पाती हैं, पर ऐसी बड़ी फिल्मों की भीड़ में जो लगातार फ्लॉप हो रही हो, कुछ ऐसी फिल्में निकल जाती हैं जिन्हें देखकर सिनेमा प्रेमी खुश हो सकते हैं। ऐसी ही एक फिल्म है महाराजा। तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार विजय सेतुपति और लेखक से डायरेक्ट और फिर डायरेक्ट से कलाकार बने अनुराग कश्यप ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। यह एक ऐसी फिल्म है जो मास पब्लिक को भी पसंद आएगी और आर्ट फिल्म पसंद करने वालों को भी यह फिल्म एक अलग ही अनुभव दे जाएगी। फिल्म की कहानी जिस तरीके से शुरू होती है तो लगता है कि फिल्म एक मामूली से कचरे के डिब्बे की चोरी के ऊपर है, जो कि फिल्म में हास्य पैदा करता है। पर धीरे धीरे जिस तरह से कहानी आगे बढ़ती जाती है, वैसे ही दर्शक को समझ आता है कि कहानी और भी बहुत कुछ कहने वाली है। फिल्म की कहानी को भी जिस तरीके से दृश्य के माध्यम से पिरोया गया है, वह कहानी को और दिलचस्प बना देते हैं। इसी के साथ फिल्म का क्लाइमेक्स भी एकदम हटकर दिखाया गया है। तो अगर आप एक सस्पेंस थ्रिलर और एक बेहतरीन फिल्म देखना चाहते हैं, तो महाराजा फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। हालांकि इस फिल्म को हिंदी में डब के साथ कुछ थिएटर में भी लगाया गया था, पर अगर इसे अच्छी पपीआर के साथ थिएटर में बड़े स्केल पर रिलीज किया जाता तो यह फिल्म हिंदी बेल्ट में भी अच्छा कलेक्शन कर सकती थी।